अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेरी वेल। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ डगमा असलम। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी, सहरी से लेके इफ्तारी तक क्या करती हूं, कैसे करती हूं, कैसे मैनेज करती हूं, तो सारी चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले ना मैं उठती हूँ 4:15 या कभी कभी 3:30 बजे, उठ के ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर जो है किचन में आ जाती हूँ डायरेक्ट। जो भी काम वगैरह होता है, रोटी बनाना, चाय वगैरह, ये सारे काम वगैरह कर मैं पहले सहरी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट उठते हैं और फादर इन लॉ रहते हैं, तो वो नमाज़ उठकर वो 4 बजे के बाद उठते हैं, फिर वो नमाज़ पढ़ते रहते हैं। तो मैं अपना सहरी कर लेती हूँ और मेरी 5 बजे तक सब कुछ हो जाता है, सहरी वगैरह। फिर उसके बाद जो है 1 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ और फिर 6 बजे तक का पानी आता है, तो 6 बजे फिर किचन में आकर ना बर्तन वगैरह धुल कर, किचन क्लीन करके, बॉटल वगैरह धुल कर, बॉटल भी भर भर कर फ्रिज में रख देती हूँ। जो सारी चीज़ें होती है वो वहाँ रख देती हूँ और फिर उसके बाद ना सो जाती हूँ। फिर जब भी आँख खुले, कभी 11 बजे खुलती, कभी 11:30-12 बजे, तो उठकर फिर क्या है ना, झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। आफीफा और अहमद सोए होते हैं, फिर वो लोग उठते हैं तो उन लोगों को नहला धुला कर फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करा देती हूँ। फिर जब तक कि जोहर की अज़ान हो जाती है, फिर अज़ान नमाज़ वगैरह पढ़ के अज़ान के बाद फिर मैं थोड़ा सा कुरान शरीफ लेकर बैठ जाती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं अभी पढ़ रही थी ना नमाज़ के बाद, तो अहमद तब परेशान कर रहा था, नहीं पढ़ने दे रहा था, उसे भी पढ़ना होता है, पेज पलटी करता है बार बार और फिर फोल्ड करेगा पेज, तो इस तरह से ना कुरान शरीफ की बेअदबी होती है, तो मैं उसके सामने ना ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाती हूँ। फिर कुछ पेज मैंने पढ़ी और वो परेशान कर रहा था ना, तो उठा कर रख दी। तो जब ये लोग सोते होते हैं या तो फजर में पढ़ सकती हूँ, या फिर अगर जल्दी उठी ना, वो लोग नहीं उठते तो वो टाइम पे हो जाता है। बाकी अगर ऐसे रहेंगे ना दिन में, तो उन लोग के सामने मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ। और फिर यहाँ पर ये दोपहर का वक्त था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, पूरा दिन खाली खाली जाता है। कभी कभी तो मैं दोपहर में सिलाई कर लेती हूँ, और या फिर कभी प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े प्रेस के होते हैं, या कभी कटिंग कर लेती हूँ, कोई भी काम जो है दोपहर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। या फिर कभी अफीफा ना ज़्यादा परेशान करती रही तो फिर उसको खिलाती उलाती लेके बैठे रहती हूँ, तो इस तरह से दिन गुजर जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही थी रगड़ा पेटीज, ये वटाने भी मैंने सुबह में ही भिगाई थी, तो मैंने सोची ना आज इन लोगों को रख देती हूँ, थोड़ा जल्दी से गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रगड़े को रख दी हूँ, उसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची ऐड की हूँ, और ये आलू भी उबालने जा रही हूँ, तो आलू को भी बॉईल कर लूँगी कुकर में ही, दोनों चीज़ें साथ में जो है बॉईल हो जाएंगी। वैसे तो मैं इसे 5 बजे को चढ़ाती थी ना, तो फिर असर के बाद गर्म ही रहता था, तो जब बनाने जाती थी ना बहुत गर्म गर्म में चटका लगता है, तो इसलिए मैंने सोची ना आज इसे जल्दी से बॉईल करके रख दूँगी, फिर क्या है ना जब मुझे बनाना होगा तो ये ठंडे रहेंगे, तो थोड़ा आराम से बना सकूँगी इत्मीनान से, वरना फिर एकदम हाई मारी हो जाती है और घाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बॉईल होने रख दी हैं कुक होने के लिए, और यहाँ पर चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डब्बे वगैरह निकाली थी सुबह में अहमद के लिए टी बनाने के लिए, तो अभी से फिल करके रख दे रही हूँ। फिर इफ्तारी में ना इतने काम होते हैं ना कि एक साथ में ही होते हैं, तो भूल जाती हूँ, फिर याद ही नहीं रहता है, फिर पता चला मैंने शक्कर ही नहीं डाली शरबत में, इसीलिए पहले निकाल कर रख लेती हूँ। सबसे ज़्यादा किचन में ना बोरिक काम मुझे यही लगता है कि फिल करके भर भर के रखना, सारी चीज़ें अपनी जगह पर भरी हुई सेट होना तो अच्छा भी लगता है, और ये जब खाली हो जाता है ना, तो बड़े से डब्बे में एक भारी बोझा उठाओ, फिर इसे फिल करो, फिर उसे वापस से उसकी जगह पे रखो ना, सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है मुझे ये। और ये मोबाइल के लिए यहाँ पर उल्टा लेटा पड़ा हुआ है, इसे बोल रही मैं जा नानी का मोबाइल ले ले, नहीं इसे सुनना ही नहीं है, मेरा ही मोबाइल चाहिए। फिर उसके बाद ना असर की अज़ान हो गई थी, तो बस मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। फिर नमाज़ पढ़कर मैं आ गई किचन में, और ये देखिए इतना रोटी अहमद को नहीं जा रहा था पराठा, तो ये इधर उधर वड़िए में ना घूमता फिर रहा है, इसे रखूँ कहाँ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रोटी के डब्बे में मैंने ये
कल का बचा हुआ ब्रेड वगैरह ये सब रख के फ्रीज में रख दी थी, तो इसे भी आज निकाल ले रही हूँ, वेस्ट ना जाए कोई भी चीज़। इसे मैंने ना टोस्ट ही नहीं की थी, ज़्यादा बना था तो लास्ट में जितने भी हुए ना सबके एक एक दो दो के हिसाब से मैंने टोस्ट कर ली थी, और बाकी जो बचा था उसे मैंने ना रात में उठाकर फ्रीज में रख दी थी। ब्रेड के तो ब्रेड सैंडविच बने हुए हैं और इसके अंदर ना 3 पाव हैं, अगर अभी इसका इस्तेमाल नहीं आए तो ये फिर ना बासी भी हो जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे, फिर ये खाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इसका मैं बना लेती हूँ पाव सैंडविच। ब्रेड सैंडविच तो आपने खा ही होगा, इसका मैं अभी पाव सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें ज़रूरत लगेगी ककड़ी की और टमाटर और प्याज की। इसे गोल गोल स्लाइस में पतला कट कर लेना है। और रगड़े पेटीज का जो है आलू बॉईल हो चुका है, उसे मैंने पलटी कर कर रख दी हूँ। जब तक ठंडा हो रहा है मैं यहाँ पर ये पाव सैंडविच बना ले रही हूँ। रगड़ा भी अच्छे से गल चुका है मगर मैंने उसे अभी खोली नहीं हूँ, उसका स्टीम निकल रहा है। तो यहाँ पर ये सब कट कर लेती हूँ। और रगड़ा पेटीज के लिए ना कुछ चटनियों की ज़रूरत थी, जैसे कि तीखी चटनी और खट्टी मीठी चटनी इमली की, तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ना बहुत कम ज़रूरत लगती है, हमारे घर में खाई भी नहीं जाती है। जैसे आज ज़रूरत लग गई तो आज के लिए मैं पहले से प्रिपेयर कर कर रखूँ, इससे अच्छा मैंने 10-20 रुपये की बाहर से मंगा लेती हूँ। तो बस अभी वो मेरे हस्बैंड से मैंने चटनी मंगाई हूँ और सेव मंगाई हूँ उसके ऊपर डालने के लिए, तो वो लेके आएंगे। जब तक कि मैं अपना ये सब समेट लेती हूँ, और फ्रूट भी नहीं है कि मैं फ्रूट वगैरह कट करूँ, तो मैंने सोची जब तक कि यही सब कर लेती हूँ। आज मैं सोच रही थी कुछ न्यू ट्राई करने के लिए, मगर फिर फ्रिज में इतने ये सब रखे हुए थे, सैंडविच वगैरह पाव रखे हुए थे, ये सब सब वेस्ट हो जाता, इसीलिए मैंने ना रगड़ा पेटीज और फिर यहाँ पर ये सैंडविच वगैरह ही इफ्तार में ले ली। पाव पर मैंने भरकर मेयोनीज लगाई हूँ, उसके बाद शेज़वान चटनी लगा दी हूँ। शेज़वान चटनी हमारी अच्छी खासी तीखी है तो और किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने सारे ये टमाटर और ककड़ी प्याज ये सारी चीज़ें स्लाइस रख दी हूँ और फिर इसे बना कर रख दी थी मैंने। फिर मैंने सोची थोड़ा सा इसके अंदर मैं चीज़ ग्रेट कर देती हूँ, हल्का हल्का सा, बस ज़रा सा टेस्ट आ जाए, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा बस मैं इस पर ग्रेट कर दे रही हूँ बीच में और इसे बट कर दे रही हूँ। और सारे किचन को मैंने अच्छे से वापस से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद ना ये एक रोटी बची हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था इसको क्या करूँ, तो मैंने इसे साइड में रख दी हूँ। कल जब हमारे यहाँ पर कचरा लेने जो आते हैं अंकल, उसे मैं दे देती हूँ, उनके घर पे जानवर वगैरह पाले होंगे तो वो लेकर जाके जानवरों को खिला देते हैं। और यहाँ पर मैंने फ़ैन के नीचे आलू रखी थी, लेकर आ गई। और अफीफा अहमद ना ये टाइम पर यहीं पर किचन में ही घूमते फिरते रहते हैं। तो आलू को अच्छे से मैश कर ली हूँ, और ये बीच बीच में ना कभी कभी ना बैल बजा बजा के ना कोई आ जाता है, जैसे ही किचन में काम करते रहो ना तो कोई टन 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 बजाते ही रहेगा। तो मैंने ना ओवरलॉक के लिए कपड़ा देकर आई थी, तो वही एक लड़का लेकर आया था मुझे देने के लिए वापस, तो आधा घंटा ही हुआ होगा मैंने देकर आई थी, और मुझे लगा था एक दिन बाद देते हैं, फिर भी वो शाम में बोले थे और मैं यहाँ पर आके अपना किचन में काम ही कर रही थी कि उतने में वो आ गया। तो बस उसे लेकर रख दी हूँ, और उसकी भी कटिंग वटिंग करना है, उसमें ना वो लास्टिक नहीं है मेरे पास, तो आज मुझे मार्केट भी जाना है लास्टिक लेने के लिए, वरना डिले करते करते ना सुबह में बोलते मेरे हस्बैंड सुबह में लेके जाएंगे, सुबह होती ही नहीं है हमारी, क्योंकि बच्चे लोग, हम लोग अगर उठ गए तो बच्चे लोग को कोई देखने वाला होना चाहिए, दोनों सोते रहते हैं तो इसी वजह से नहीं जा पाते। तो आज है ना मैं शाम में ही जाऊंगी किसी को भी साथ लेके, या फिर ना मेरे हस्बैंड तरावी के बाद लेकर जाते हैं, तो तरावी के बाद छुट्टी है तरावी, तो थोड़ा बहुत दोस्तों में बाहर गपशप मारते मारते 10-15 मिनट और निकल जाता है, फिर घर पे आते आते 10:30 बज जाते हैं, फिर हमको निकलते निकलते 11:15 बज जाते हैं, जब तक कि काफ़ी दुकानें बंद हो जाती है। तो देखते हैं अभी लेकर जाएंगे या नहीं, आज तो उनको रोज़ा भी बहुत लग गया है पहले से ही, अभी आए हैं तो बहुत थके हुए हैं, सो गए हैं। तो रगड़ा पेटीज मैंने ये आलू को मैश कर ली हूँ, उसके अंदर बाद में भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी नमक और लाल मिर्ची पाउडर और कोतमीर ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर ली हूँ, और अभी टिक्की बना रही हूँ। सबके बनाने का तरीका अलग होता है, और इसके अंदर ना कोई आमचूर पाउडर, कोई क्या कौन सा पाउडर आता है, कुछ एक और आता है, वो सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं, तो जिसको जैसा समझ में आए अपने हिसाब से बना लेते हैं।
काफ़ी तरीके होते हैं बनाने के। तो यहाँ पर मैंने ना पैन भी गर्म कर ली हूँ और टिक्की जो बना रही हूँ बस उसे मैं ऐड कर दूँगी ऐसे ही। तो इसमें मैंने सुबह में पराठा बनाई थी ना, तो ये मैं धुलती नहीं हूँ, इसके अंदर काफ़ी तेल लगा होता है, तेल बहुत बर्बाद होगा, इसलिए मैं इसे ढककर ऐसी रख देती हूँ। फिर जब शाम में कुछ भी बनाना होता है ना, छोटा मोटा तलना, फ्राई करना, तो इसी में ही कर लेती हूँ। तो एक तरफ से ना टिक्की अच्छे से गोल्डन हो चुकी थी, अब इसे मैंने पलटी कर दी हूँ और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड की थी, और ज़रूरत लगे तो ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। पहले मैं मुझे नहीं पता था ना, जब मुझे नहीं बनाने आता था तो मैं क्या करती थी, शैलो फ्राई भी मैं ना तेल के अंदर ही करती थी, तो पूरी टिक्कियाँ फूट जाती थी। तो अभी देखिए खाली पैन में जैसे ऑमलेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, बस उस तरह से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और टिक्की को तेल में लगाते हुए पूरे उस पर फ्राई पैन पर फैला देंगे ना, तो टिक्की फूटती नहीं है, टूटती नहीं है। और दूध भी आ गया था यही टाइम पे, दूध में ना काफ़ी कचरे भी निकलते हैं अभी, तो इसीलिए मैं ना इसे छान कर ही पका लेती हूँ। और इस तरह से ना पानी डालने से मैंने सुनी हूँ कि दूध ना जलते नहीं हैं, तो मैं जब भी पकाती हूँ ना इसी तरह से पकाती हूँ, दूध को बॉईल कर उबालती हूँ, लेकिन कभी कभी ना फिर भी जल जाते हैं नीचे से दूध। तो देखिए टिक्की बनने में सिर्फ 15 मिनट लगी है, 15 मिनट से, क्योंकि अगर तेल में होता ना तो जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाता था, मगर अब इसे ना शैलो फ्राई भी नहीं, मैंने हल्का सा एकदम तेल लगा कर और फिर इसे ना मैंने फ्राई की हूँ, तो थोड़ा सा वक्त लगा मगर ये अच्छे से हो गए, टूटे भी नहीं, वरना तेल में टूट जाते थे। और यहाँ पर रगड़ा जो है थोड़ा सा मैश कर दूँगी, क्योंकि खड़े खड़े हैं ये थोड़े अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा मैश करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर एक बार और पका लूँगी, क्योंकि ये मैश करने के बाद ना काफ़ी ठीक हो जाता है। और इसमें ना मैंने एक बॉईल आलू भी डाल दी हूँ ताकि थोड़ा गाढ़ापन रहे इसके अंदर। तो रगड़ा पेटीज बनाने के लिए अभी तक की चटनी आई नहीं है, तो मैंने सोची कि ना जब तक के लिए मैं ये टोस्ट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर सैंडविच मेकर पर मैंने पहले थोड़ा सा बटर लगा दी हूँ, उसके बाद सैंडविच के ऊपर वाले हिस्से पे भी बटर लगा दी हूँ, और अब इसे बंद कर देंगे। और ये एकदम आसान है यूज़ करना भी, तो ये अभी रेड बटन चालू है, और जब ये हो जाएगा ना अच्छे से पक जाएगा, टोस्ट हो जाएगा ना, तब येलो बटन चालू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये येलो बटन चालू है, तो इसका मतलब ये भी हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। आज ना मैं एक एक चीज़ बना रही हूँ, तो इतना सिलो सिलो काम हो रहा है ना, वही मैं किचन में ना जब एक साथ सारी चीज़ें बनाती हूँ ना थोड़ी सी जल्दी जल्दी होती है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी काम हो गया। और अभी ऐसा लग रहा है कितने टाइम से मैं किचन में हूँ, मेरे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैंने एक बार पहले ये सैंडविच को निकाल कर बाहर रखी, आलू वगैरह बॉयल की, फिर उसके बाद टिक्की वगैरह बनाई, फिर अभी सैंडविच बना रही हूँ, फिर सैंडविच बन गया है जब तक कि मैं खड़ी थी और याद नहीं था कि मुझे शरबत बनाना है, तो अब मैं जा रही हूँ नींबू का शरबत बनाने के लिए। तो नींबू के शरबत में जब हमें शक्कर ना डिज़ोल्व करनी होती है ना, गलानी होती है, तो इसमें सादा पानी डालेंगे ना नॉर्मल पानी, तो ये जल्दी से पिघल जाती है पूरी शक्कर, और अगर हम ठंडा पानी डालते हैं ना तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होती है शक्कर जो है। तो यहाँ पर मैंने 3 नींबू ले ली हूँ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 3 ही नींबू थे, तो तीनों को मैंने ले ली हूँ, और इनके रस को मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी। निचोड़ने के बाद इसमें ठंडा पानी डालूँगी और क्या कहते हैं नमक डालूँगी, काला नमक, और फिर मिक्स करके इसे फ्रीज में रख दूँगी। नींबू का शरबत बना कर रख दी हूँ, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड देखे चटनी और सेव जो है बारीक वाली लेकर आ गए थे, पहले गीली लाते थे, मुझे लगा वही होगी, तो यहाँ पर अभी है ना सूखी चटनी है, तो इसे पानी में डालकर घोरने के लिए बोले हैं कि पानी में डालकर घोर लेना, और खट्टी मीठी चटनी तो वैसे ही है जैसी आती थी, तो इसे थोड़ा सा पानी डालकर बस मैं मिला लूँगी और जितनी ज़रूरत होगी उतना ले लूँगी, बाकी का फ्रिज में उठा कर रख दूँगी। तो ये जो रखूँगी ना वो भी देखना अभी इस्तेमाल में नहीं आएगा, अगर मैंने कुछ बनाई ना रगड़ा पेटीस या दही वड़े वगैरह तो इस्तेमाल में आएंगे, वरना वे ऐसे ही रखे रह जाने हैं। तो मैं रमज़ान से पहले ही ये बनाने वाली थी चटनी, जिसके लिए मैंने बॉटल रखी हुई थी, मगर फिर सोची जब हमें यूज़ में ही नहीं आने वाला है तो मैं क्यों बनाऊँ, क्यों मेहनत करूँ फोकट में, तो इसे अभी मंगाई हूँ ना तो ये बॉटल काम आ गई, इसी में वापस से ना मैं भर कर रख दे रही हूँ। और अब हो रहा है जो इफ्तारी का वक्त, अभी बज रहे हैं ना 6:30, तो मैं फटाफट से ये रगड़ा पेटीज वगैरह बना लेती हूँ, और फिर 10-15 मिनट में दस्तरखान लगा कर बैठेंगे, थोड़ा सा थोड़ा दुआ वगैरह मांगेंगे,
और यहाँ देखिए रगड़ा पेटिस बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये रही रगड़ा पेटिस और ये रहा थोड़ा सा क्या कहते हैं दही वड़े आए हैं और ये सैंडविच वगैरह हैं और भी रोल वगैरह हैं और ये थोड़े से रगड़े बचे हुए हैं, ये अहमद ले लेगा। बाट बाट के जो बर्तन निकले हैं ये बर्तन भी धुल लूँगी, फिर इफ्तारी के बाद ना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब चले दस्तरखान लगा देते हैं। कोई मेरी मदद करे या ना करे, अहमद मेरी मदद ज़रूर करता है। पहला तो दस्तरखान लगाने में और दूसरा उठाने में, बर्तन उठाने का रखने का सारे काम जो है मिलके करवाता है। फ्रूट जो कलिंगड़ वगैरह था ना मेरे हस्बैंड ही कट कर लिए थे। तो चले अब इफ्तार बाद मिलते हैं, दुआ में याद रखें। चलो चलो आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में, आप लोगों को बताई थी ना जाने का था। और अहमद ना वो बच्चे को चिल्ला रहा था, वो अंदर आया था ना एक दिन शिशु कर दिया था तो उसको चिल्ला रहा था मत अंदर जा फिर शिशु कर लेगा, मत अंदर जा फिर शिशु कर लेगा। और मैं अभी मार्केट से जस्ट आई हूँ और पहले फुर्सत में जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, वरना देर हो जाती है तो आलस आने लग जाता है। तो फटाफट से नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं गई थी बाजू अली के साथ, मेरे हस्बैंड भी आज एकदम फ्री बैठे होंगे, लेकिन मेरा भाड़ा मेरा पैसा सारा चला गया। और मेरे हस्बैंड के साथ जाती तो वो भाड़े की टेंशन ही नहीं होती और फिर सामान भी वही दिला देते। तो खैर अब तो दुकान वगैरह भी मुझे पता चल गई है कहाँ मिलता है कहाँ नहीं, तो अब जाना रहेगा तो उनके साथ ही चली जाऊँगी। वैसे तो आज खुशी हुए होंगे कि मेरा पीछा छूटा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो अभी मैं ना जो मेरे पास जितने भी बाकी के कपड़े हैं सब में लास्टिक लगाना है ना वो सब लगा लेती हूँ। और मैं आज ना आफीफा के साथ ना कपड़े की उसका जो कपड़ा सिलने वाली थी ना उसकी पूरी आपको डिटेल बताने वाली थी किस तरह से मैं सिल रही हूँ, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है ना और एडिटिंग करने ना बहुत बोर होने लगता है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो रहती है। तो मैं वो वीडियो ना सेपरेट एक अलग वीडियो बनाकर डालूँगी। तो आज वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखें। तो चले हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।